अभी देखो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार आपके बच्चों को नौकरी मिल गई होगी। अरे मिली क्या? किसी के एक हाथ के मिली, जरा हाथ ऊंचा करो। नहीं मिली। वो कहते थे काला धन, स्विस बैंक 15-15 लाख। नरेंद्र मोदी जी कहते थे अच्छे दिन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, और कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है या नहीं है? कहते थे ना मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे है, मैं देश के लिए समर्पित हूं। अब बात कैसे करते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है, मैं सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। ये टीवी दिन भर यही बताती है, ये सारे पत्रकार यहां से कुछ और ले जाते हैं और इनके मालिक जो आते हैं वो बताते हैं एक ही चीज ऐसे कि मोदी 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 मोदी। सही है कि गलत? पर मोदी जी से ये नहीं पूछते। जब नोटबंदी हुई तो मोदी जी ने कहा कि देशवासियों मेरे पे भरोसा करना, आप लाइन में लगते लगते मर गए कोई बात नहीं, आपके पैसे जो आपके छोटे मोटे 500-500, 2-2 हजार के नोट रखे थे वो रातों रात कागज कर दिए कोई बात नहीं, पर मुझ पे भरोसा करना, मेरी नियत में कोई खोट हुई तो जिस चौराहे पे लाओगे उस चौराहे पे जो सजा दोगे पाने को तैयार हूं। ये नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2018 तक की बातें थी। मैं इतना कहूंगा देश ने कितना भरोसा किया नरेंद्र मोदी। इधर कोरोना आया, चिता जल रही थी बाप की, और बेटे को कहा थाली बजा तो वो थाली बजा रहा था। उधर परिवार साथ किस हॉस्पिटल में थे, रेमडेसिविर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, यातनाओं की पराकाष्ठा थी। याद है या भूल गए आप लोग? अरे याद है कि नहीं है? तब भी नरेंद्र मोदी कहते थे थाली बजाओ ताली बजाओ लाइट जलाओ, पूरा देश कर रहा था पूरा देश। पर हुआ क्या इस भरोसे का? हुआ क्या इस भरोसे का? ये हुआ कि 84% बच्चे बेरोजगार है इस देश में, विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश है तो भारत देश है। महंगाई पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा अगर कहीं महंगा मिलता है खाना पीना तो आज भारत में हो गया है। अरे जिस प्रधानमंत्री ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, 141 में से 121 करप्ट लोग नेता सबको बीजेपी में भर्ती कर लिया, डरते नहीं है किसी से, और राहुल गांधी को कहते हैं शहजादे। सुनते हो आप लोग? आप लोग भी सुनते हो? आजकल राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी कहते हैं शहजादे, शहजादा ऐसा कह रहा है, शहजादा वैसा कह रहा है। अरे और खुद को कहते हैं फकीर, चंदू भैया खुद को कहते हैं फकीर हूं जी, झोला लेके हम तो चल देंगे। याद है कि नहीं है? फकीर कैसा? 15 करोड़ का सूट पहनता, अडानी से मिलता है, अंबानी से मिलता है, बिल गेट्स को इंटरव्यू देता है, अक्षय कुमार को इंटरव्यू देता है, सारे हीरो हीरोइनों के साथ फोटो खिंचवाता है, जितने टीवी के एंकर है इनके साथ फोटो खिंचवाता है, देश में दुनिया में सब दूर घूम लिया, ऐसा फकीर। और शहजादा कौन? जो ट्रक ड्राइवर से बात करता है, मजदूर से बात करता है, 1-2 हजार की टी शर्ट में रहता है, 4000 किलोमीटर पैदल चलता है और सिर्फ आपके दर्द को जीता है, आम आदमी की लड़ाई लड़ता है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, कौन कौन मेरी बहन है, कौन कौन मेरी बहन है जिसको 8,500 रुपया पर महीने, साल का 1 लाख रुपया चाहिए, जरा हाथ ऊंचा करो। अरे उनको नहीं चाहिए, भाभी को नहीं चाहिए, माता जी को दिखता है। जो कांग्रेस और अरुण श्रीवास्तव जी के लिए अभी बोला नहीं हूं मैं, जो कांग्रेस और हाथ के पंजे और अरुण श्रीवास्तव को जिताएगा, सब बहनों के खातों में 8,500 रुपया पर महीने 1 तारीख को, साल का 1 लाख रुपया खाते में आएगा, याद रख लेना, भूलना मत। और अड़ोस पड़ोस को भी बता देना, जो आपका बेटा पढ़ा लिखा है, बेटी पढ़ी लिखी है, जो कॉलेज में है उसको भी 8,500 रुपया पहली पक्की नौकरी, याद रखना। जो मजदूरी करते हैं, जो घरों में जाते हैं, 400 रुपए से कम किसी भी प्रकार की मेहनताना नहीं होना चाहिए, ये नियम बनाएगी कांग्रेस पार्टी। मैं अंत में
सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भोपाल शहर एक गरिमापूर्ण शहर है। भोपाल शहर हमारा झीलों की नगरी है। अरुण श्रीवास्तव जी इधर आओ, जरा इधर आओ, इधर आओ जरा। ये इतने भले, सज्जन, सरल, सुशील, वकील, पढ़े लिखे, संपन्न व्यक्ति, किसी से आज तक एक चाय भी नहीं पी, ऐसा व्यक्ति हमारा सांसद बनेगा। आप सब चुनोगे कि नहीं, हाथ ऊंचा करके बताओ। सब परिवार के साथ एकजुट एक होकर 7 मई बीजेपी, एक साथ 7 मई बोल के बताओ, बोल के 7 मई बीजेपी, 7 मई बीजेपी, 7 मई बीजेपी। एक तरफ है महापौर जी, जिन्होंने महापौर रहते एक काम आपके मोहल्ले में किया क्या, किया क्या, और अब अरुण श्रीवास्तव जी सांसद बनेंगे। सब बहनें मेरी साथ देगी, मैं सब बहनों के चरणों में सर रख कर प्रणाम करता हूं। अभी मोहन यादव जी ये मुख्यमंत्री बने ना, नए मुख्यमंत्री बने, ये मेरे पे 5 दिन में 3 FIR कर दी, मेरे पे रिपोर्ट लिखा दी, इसलिए कि अभी भोपाल में एक 10 साल की बच्ची का रेप हो गया था। मैंने इनसे पूछ लिया कि भैया क्या हो रहा है आपकी सरकार में। एक झाबुआ में 8 साल की बच्ची का रेप हो गया था, मैं उसके परिवारजनों से जाके मिला है तो मुझ पे FIR कर दी। अभी मैं भिंड गया था, वहां एक FIR कर दी, और मुझे कहते हैं कि जीतू पटवारी मैं OBC का मुख्यमंत्री हूं तो मेरे पे हमला करता है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप ही ने तो कहा था कि 3000 बहनों को देंगे, आपने नहीं दिया है तो मैं सवाल नहीं पूछूं आपसे। अरे आपने किसानों को कहा था 3100 के धान के दाम, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 450 का गैस सिलेंडर देंगे, ये मैं पूछता हूं तो आप पे हमला करता हूं। और आप OBC के हो तो मैं भी OBC का हूं, मैं आपसे अगर सवाल नहीं करूं तो फिर विपक्ष कैसा। अगर आप मुझे FIR करके डराना चाहते हो तो मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूं जिसने देश की आजादी में शहादत दी, जिसने देश की उन्नति में शहादत दी। अगर आप मेरी मेरे को यातना देख के जेल भी भेजोगे या मेरी किसी भी प्रकार से मुझे डराने और धमकाने की भी कोशिश करोगे तो कांग्रेस का आदमी डर सकता है क्या? मुझे डरना चाहिए क्या? जेल से डरू तो नहीं? याद रखना मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ विनम्रता से, हम सब मिलकर आप आपके झूठे वादे करो, हम अपनी सच्ची बातें करेंगे और सब मिलकर अच्छा प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो इसका प्रयास करेंगे। भारत माता की। मैं हितेंद्र सहारे निर्दलीय प्रत्याशी हमारे जो समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जरा सब बहनों से अनुरोध करता हूँ जोरदार इनका ताकत से स्वागत करें। और भंते जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग किया। मैं मेरे भाई को खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खूब साधुवाद, इंडिया गठबंधन के सभी परिवारजनों को साधुवाद, सारे परिवार मिलकर इस बार कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा अरुण श्रीवास्तव जीते, इसकी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कल भोपाल संसदीय सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के समर्थन में 3 स्थानों पर सभाएं कीं। श्यामपुर दौराहा, अंबेडकर जयंती मैदान तुलसीनगर और इतवारा चौराहे पर हुई सभाओं में पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने तुलसीनगर में कहा कि 10 वर्ष से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 वर्ष से प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, काला धन वापस लाएंगे, हर नागरिक को 15 से 15 लाख मिलेंगे। क्या महंगाई बेरोजगारी कम हुई? आपके खाते में 15 से 15 लाख रुपए आए? इनमें से एक भी वादा प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा नहीं किया। गैस सिलेंडर 400 का था जो 1000 के पार हो गया। सोयाबीन तेल 40 से 60 रुपए लीटर था जो 110 का आ रहा है। बेरोजगारी बढ़ गई है। मोदी जी के अच्छे दिन आ गए और आपके नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं जो 4000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, मजदूर व गरीबों से मिलते हैं, मोदी जी हीरो हीरोइन से मिलते हैं। अब आप ही बताइए कि शहजादा कौन? अब मोदी जी को हकीकत समझ आ गई है, अब 400 पार कहना बंद कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव, कांग्रेस नेता संजीव सक्सेना,
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।